दोस्तों विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले वीडियोज में देखा कि हम लोग एक सीरीज चलाने जा रहे हैं जिसमें जीपीएससी के द्वारा लिए गए अलग अलग परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का व्याख्यात्मक हल आपके सामने पेश करें। इसके अंतर्गत हम लोगों ने सबसे पहले जीपीएससी क्लास 1-2 के द्वारा आयोजित स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर 2019 में लिए गए परीक्षा के प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल की शुरुआत हमने इस श्रृंखला से की है। अब तक हम लोग 2 वीडियो जारी कर चुके हैं। प्रथम वीडियो भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्नों का था, दूसरा भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित। मित्रों, आज हम आपके समक्ष इस समय के सबसे अधिक जो डिमांड में सब्जेक्ट है और वह है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल करें। लेकिन दोस्तों, आप भी जानते हैं कि करंट के प्रश्न सर्वाधिक मात्रा में परीक्षा में पूछे जाए और वीडियो लंबा होने के कारण कई बार अच्छी सामग्री होते हुए भी उबाऊ हो जाता है। इसलिए हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों को विभिन्न श्रृंखलाओं में बांटकर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आज हम आपके सामने करंट अफेयर्स के उन 12 प्रश्नों को पार्ट 1 के अंतर्गत लेकर आए हैं। पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करते हुए सामान्य अध्ययन के करंट अफेयर्स के सभी प्रश्नों को हम इसमें शामिल करेंगे। आज जो 12 प्रश्न पूछे गए थे, कुल 30 में से उनका हम आपके सामने एक विश्लेषणात्मक हल प्रस्तुत कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपका समय नहीं लेते हुए अब हम लोग शुरू करते हैं जीपीएससी द्वारा आयोजित वर्ष 2019 में एसटीआई के प्रारंभिक परीक्षा के करंट अफेयर्स के पूछे गए प्रश्नों के पार्ट 1 के अंतर्गत व्याख्यात्मक हल। अब हम एसटीआई के अंतर्गत जो करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए थे एक एक करके आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मित्रों यहां मैं एक बात बता दूं, यह क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन का 1 नहीं है, कुल पूछे गए करंट अफेयर्स के प्रश्नों में से यह पहला, क्योंकि अलग अलग सीरीज में इनका नंबर अलग हो सकता है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, दिशा पोर्टल डैश माटे विकसावामा आप्यू छे। ए विद्यार्थी, बी खेड, सी सरकारी कर्मचारी, डी सांसदों अने धारासभ्यों। दोस्तों, बेहद आसान है। दिशा पोर्टल सांसद और धारासभ्य के लिए विकसित एक पोर्टल है, लेकिन हमारा उद्देश्य यहां करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का व्याख्यात्मक हल देना है। इसलिए मैं इसकी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं विस्तृत। फर्स्ट की व्याख्या यह है कि 28 जुलाई 2016 ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा केंद्र सरकार ना बाधा कार्यक्रमों ना असरकारक विकास अने समन्वय माटे दिशा पोर्टल की शुरुआत करवामा आवी। दोस्तों, इस लाइन के रखने के पीछे मेरा यह आपके लिए सुझाव है कि करंट अफेयर्स का मतलब केवल और केवल एक वर्ष की घटनाएं नहीं होती।
आप देखें कि यह दिशा पोर्टल 2019 में पूछा जा रहा है, जबकि ग्रामीण विकास मंत्रालय इसे 28 जुलाई 2016 को प्रस्तुत किया। दूसरा, कई बार इसके काउंटर क्वेश्चन आ सकते हैं कि दिशा पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, लेकिन इस लाइन से हमारे प्रश्न का समस्या का समाधान नहीं हो रहा है दोस्तों। तो अब देखें आगे क्या है। आप पोर्टल का माध्यम भी संसद तथा धारा शब्द पोताना क्षेत्र ना विभिन्न मंत्रालयों ना विभिन्न कार्यक्रमों अन्य योजनाओं की देखरेख कर सकते, मतलब कि सांसद और धारा शब्द के पास प्रजा के लिए इतने कम समय होते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारे काम करने होते हैं, कि वे इन योजनाओं को बिना दस्तावेज घर पे मंगाए उसके गतिविधियों को देख नहीं पाते। तो आज के आईटी के युग में हर एक एमएलए और एमपी के पास स्मार्टफोन और मोबाइल होता है। इस दिशा पोर्टल को के अंतर्गत वह इन अपने क्षेत्र की इन योजनाओं को देख करके उसके डेवलपमेंट को कहां तक वह पहुंचा है वो उस पर निगरानी रख सकता है और संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ वह बातचीत कर सकता है। इसलिए सांसद और धारा शब्द के लिए यह पोर्टल जारी किया गया, लेकिन इससे हमारे प्रश्न का समाधान नहीं होता है। इस पोर्टल के अंतर्गत कई सारे कार्यक्रम शामिल किए गए हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का हम यहां पे नाम दे रहे हैं। इतना ही नहीं है दोस्तों, और भी कई इसके अंदर कार्यक्रम शामिल। तो आप पोर्टल अंतर्गत आगली लेवा में आपका कार्यक्रम छे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एकीकृत जल ग्रहण संचालन कार्यक्रम, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पापड़ी मिशन राष्ट्रीय पापड़ी मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, अटल मिशन फॉर रीजेनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, स्मार्ट सिटी मिशन वगैरह और भी कई योजनाएं इसके अंदर चलाई जा रही हैं। तो यह इस प्रश्न का एक व्याख्यात्मक हल आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दोस्तों, अब हम करंट अफेयर्स के एसटीआई परीक्षा में पूछे गए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीचे ना कयों अने कया विधान अथवा विधानों साचू ऑब्लिक साचा छे। ए, भारत में किसान क्रेडिट कार्ड योजना आरबी गुप्ता समिति की भलामनों ने आधारे शुरू करवामा आवी हती। बी, किसान विकास पत्र 2011 श्यामला गोपीनाथ समिति की भलामनों ने आधारे बंद करवामा आव्या हता। सी, ए अने बी बनने, डी ए अने बी पैकी कोई नहीं। दोस्तों, यहां दो अलग अलग योजनाओं के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसकी व्याख्यात्मक फल के लिए मैं दोनों योजनाओं को सेपरेट करते हुए इस प्रश्न के डिमांड के अनुसार मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। किसान क्रेडिट योजना, आ योजना एक क्रेडिट योजना छे जेने भारतीय बैंकों द्वारा ईस्वी सन 1998 में प्रारंभ करवामा आवी हती। दोस्तों, यहां से आप
एक इस चीज को जान सकते हैं कि ये भारतीय बैंक के द्वारा ऑपरेट है, पोस्ट ऑफिस के द्वारा नहीं, और 1998 में इस योजना की शुरुआत हुई। आय योजना राष्ट्रीय कृषि यानी ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड द्वारा आरबी गुप्ता समिति ने भलामन पर शुरू करवामा आवी हती। यानी हमारे पहले स्टेटमेंट की जांच हो गई कि आरबी गुप्ता समिति ने भलामन पर किसान क्रेडिट योजना आरंभ करवामा आवी हती। अब हमें जानना है इसका उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों तेनो उद्देश्य खेडूतों ने नाणकीय सहायता प्रदान करी अने कृषि क्षेत्र की व्यापक ऋण जरूरतों ने पूरी करवानो छे। અને જેમાં બધી વાણિજ્યિક બેંક, ક્ષેત્રીય ગ્રામીણ બેંક અને રાજ્ય સરકારની બેંક સામેલ છે। તો ઇસ ઇન્ફોર્મેશન સે હમે જો હમારે કામ કરતા આરબી ગુપ્તા સમિતિ ભલામન કે ભલામન પર યે હમ લોગ નિકાલે। અબ જરા કિસાન વિકાસ પત્ર કો હમ લોગ દેખે। આ એક બચત પ્રમાણપત્ર યોજના છે જેને પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા 1988 માં શરૂ કરવામાં આવી હતી। દોસ્તો આગે કે પરીક્ષા મેં यही दो लाइन पर प्रश्न बनाया जा सकता है कि किसान क्रेडिट योजना बैंकों के द्वारा ऑपरेट हो रहा है और उसमें भी नाबार्ड के द्वारा प्रारंभ किया गया है, जबकि किसान विकास पत्र पोस्ट ऑफिस के द्वारा संचालित किया जाता है। भारत सरकार श्यामला गोपीनाथ समिति ने भलामन न आधारे तेने वर्ष 2011 में बंद करी दी थी, परंतु जब नरेंद्र मोदी साहब की सरकार आई तो सरकार वर्ष 2014 में तेने फरी थी लॉन्च करी। दोस्तों इस दूसरे प्रश्न को आप देखें, करंट के या इकोनॉमिक्स के करंट का क्वेश्चन है। 2014 में इसे प्रारंभ किया गया था, इसीलिए इसको जोड़ करके इसके साथ प्रश्न दे रहा है। यानी कि करंट का मतलब हाँ, अधिक प्रश्न एक साल के अंदर ही आते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है दोस्तों कि हम दो साल पहले की घटनाओं को बिल्कुल छोड़ दें। अगर वह इकोनॉमिकल घटना है, कोई पॉलिटिकल घटना है, कोई साइंस टेक से लगता हुआ घटना है, तो हमें जरूर उसके बारे में पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर दो की व्याख्या संपन्न हुई। अब हम लोग प्रश्न संख्या तीन की ओर आते हैं। दोस्तों अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूं। यदि आप में से कोई अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल, तो YouTube पर जाकर विश्वास एजुकेशन आप टाइप करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आपको ऐसे कई वीडियोज मिलेंगे और आइकॉन बेल भी आप दबा दें। दोस्तों इसके अलावा विश्वास-education/education.com नाम की विश्वास एजुकेशन की अपनी वेबसाइट है, आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। विश्वास.education के नाम से फेसबुक है, आप वहां पर भी हमसे मिल सकते हैं। और दोस्तों जहां तक सवाल टेलीग्राम चैनल का है, तो विश्वास एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमसे मिल सकते हैं। फेसबुक पर आप अगर चाहें तो हमें अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। कुछ आप यदि डिमांड करते हैं कुछ एक्स्ट्रा टीचिंग का, इतिहास और बंधारण सम और करंट अफेयर्स को लेकर, तो मैं उस सुझाव पे भी विचार करूंगा और यथासंभव आपकी उन आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों हम लोग समय न लेते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर तीन। कई संस्था मंत्रालय द्वारा ग्रांट इनोवेशन चैलेंज ब्रैकेट में शुरू करवामा आवियो। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और डी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। देखा है मित्रों, तो यह वन लाइनर क्वेश्चन है और बहुत इजी है, लेकिन आगे के एग्जाम में आपको यह मदद करे उसके लिए मैं दो लाइन की इस पर व्याख्या कर रहा हूं कि नीति आयोग द्वारा 8 अप्रैल 2016 भारत में सामने प्रमुख विकासात्मक प्रकार पर नागरिकों ना इनपुट प्राप्त करवा माटे ग्रांट इनोवेशन चैलेंज
ना पहला चरण में शुभारंभ करियो। दोस्तों यह योजना भी 2016 की है और यह 19 में पूछा जा रहा है। तेने माई गो पोर्टल द्वारा लॉन्च करवाना आदि थी। तो इस प्रकार से अगर इसके ऑप्शन को देखा जाए तो एक लाइन में अपने को समझ में आ गया कि नीति आयोग इस स्कीम को प्रारंभ किया था, लेकिन अगर अगले एग्जाम में पोर्टल भी आपसे पूछे तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। कब शुरू किया गया वह भी आप इसके सामने जवाब दे सकते हैं और इस विकासात्मक पड़ताल पर नागरिकों के इनपुट को प्राप्त करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। यह इसका एक वन लाइनर बेसिक उद्देश्य भी है। तो इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथे प्रश्न की ओर पढ़ने के पहले मैं 2 मिनट आपका समय लेना चाहूंगा। विश्वास एजुकेशन गुजरात राज्य में 3 जगहों पर अपने ब्रांच के माध्यम से चलाया जा रहा है। भावनगर, गांधीनगर और अहमदाबाद। विश्वास एजुकेशन का हेड ऑफिस अहमदाबाद है, गांधीनगर और भावनगर इसका ब्रांच ऑफिस है। मैं विश्वास एजुकेशन का डायरेक्टर हूं, लेकिन दोस्तों मैं केवल डायरेक्टर ही नहीं हूं, इतिहास, भूगोल, बंधारण, विज्ञान और टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स 8 में से 5 सेक्शन मैं अकेले ही बच्चों को यहां मार्गदर्शन देता हूं। इसीलिए हमने अधिक ब्रांच लॉन्च ना कर इन 3 ब्रांचों पर ही अपने को केंद्रित किया है। दोस्तों गुणवत्ता को बनाने के लिए हमने सभी परीक्षाओं के ऊपर फोकस नहीं किया। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि अपने गुजरात के बच्चे आईएएस की परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा सफल हों। इसलिए हम लोग धोरण 12 के बाद 3 साल के लिए अपने क्लास में बच्चे को आईएएस का प्रिपरेशन करवाते हैं। यह क्लासेस शाम को 6 से 8 होती है, जिससे कि हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज भी जा सकें। कोई लड़का यदि SY में हो उसके बाद भी क्लास करना चाहता हो तो 2 साल का कोर्स भी हम लोग कराते हैं। और दोस्तों IAS के बाद हम लोग केवल और केवल गुजरात के लिए GPSC द्वारा आयोजित क्लास 1-2 PI STI DYSO और NAIC मॉडल का इसी एग्जाम को फोकस करके हम लोग बैच चलाते हैं। शिक्षक की गुणवत्ता बनी रहे इसके लिए हमारे यहाँ फैकल्टी भी उसी स्तर के होते हैं जो इन परीक्षाओं में कुछ सिलेक्टेड भी होते हैं। और गुणवत्ता बनी रहे इसलिए मैं पूरा दिन जिस एक ब्रांच को देता हूं वहां पर मैं पूरे दिन होता हूं। जैसे हमारा शनिवार रविवार को भावनगर के लिए दिन फिक्स है तो मैं प्रत्येक सप्ताह 2 दिन पूरे दिन वही बच्चों को मैं क्लासेस देता हूं और 8 में से 5 सेक्शन की गुणवत्ता बनी रहे इसका मैं प्रयास करता हूं। मेरे और भी फैकल्टी उतने ही योग्य हैं, कई अच्छे इंस्टीट्यूशन से निकले हुए, कई नए मामलेदार DYSO और क्लास 1-2 की परीक्षाओं में सफल हुए, हमारे भूतपूर्व छात्र भी हैं जो आपको मार्गदर्शन देते हैं। आपके सामने तीनों ब्रांच के फोन नंबर हैं। आप यदि चाहें तो बैच के बारे में यदि ऑफलाइन क्लास में आप जाना चाहते हैं तो वहां भी पूछ सकते हैं, वहां ज्वाइन करके आप लाभान्वित हो सकते हैं। हम लोग क्लास 3 और 4 की क्लासेस अभी नहीं चलाते हैं और ना निकट भूत में चलाए हैं। और मित्रों यदि गुजरात के विद्यार्थियों का सहयोग हमारे क्लास को ऐसे ही बना रहा जो अब तक बना हुआ है पिछले 16 वर्षों से, मैं 2003 में गुजरात आया था और तब से मैं क्लासेस चला रहा हूं यहां, तो शायद मुझे लगता है कि मुझे IAS
और जीपीएससी के द्वारा लिए जाने वाले इन परीक्षाओं को छोड़कर किसी और की बैच किसी और परीक्षा का बैच चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थैंक यू। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं मित्रों, क्वेश्चन नंबर 4। 2018-19 ना बजट प्रवचन में उल्लेखित ऑपरेशन ग्रीन गैस ना संदर्भ छे टमाटर डुंगळी અને બટાકા કેરી દ્રાક્ષ અને કેળા ચોખા ચણા અને ઘઉં બાગાયત પ્રોત્સાહન। દોસ્તો દેખા જાય બીજા વન લાઇનર ક્વેશ્ચન હે બેહદ આસાન લેકિન ઇસ પર કિન કિન ઓર એંગલ સે પ્રશ્ન પૂછે જા સકતે હે ઉસકો ધ્યાન મે રખતે હુએ મે ઇસકી વ્યાખ્યા કર રહા હું આપકે સામને कि तेल खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री द्वारा मंजूर थेली परियोजना है। यानी अगर अगले साल आपको ये पूछ ले या अगले एग्जाम में कि ऑपरेशन ग्रीन किस मंत्रालय के द्वारा मंजूर किया गया परियोजना है तो ये मैं आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दूं। तेल पहली वक्त भारत ना 2018-19 ना केंद्रीय बजट में रजू करवामा आवी छे। यानी ऑपरेशन ग्रीन भी 2018-19 के बजट में था दोस्तों, यानी वर्ष 2018 में आया था और हम लोग 19 में एसटीआई के एग्जाम में बैठे और वहां पर यह करंट अफेयर्स के अंतर्गत पूछा गया। तो दोस्तों मैं बार-बार आपको समझा रहा हूं, आपसे विनती भी कर रहा हूं कि आप कम से कम 2 साल तक के करंट अफेयर्स को ध्यान में लीजिए और करंट अफेयर्स के लिए अच्छी मैगजीन पढ़िए। गुजराती भाषा में अच्छी मैगजीन हो तो पढ़िए, नहीं हो तो हिंदी के अच्छे मैगजीन को पढ़िए, लेकिन आप इस लेवल में जाकर के पढ़िए। अब देखें दोस्तों, तीनों मुख्य उद्देश्य टमाटर डुंगड़ी बटाटा ना पाकोना पूर्वठा ने स्थित करवाना हो तो यानी तीसरे ऑप्शन के हिसाब से अपना आंसर होता है टमाटर डुंगड़ी हमें बताकर और इसका आंसर 4 का ए होता है। तो दोस्तों इस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के साथ अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। मित्रों अब हम जीपीएससी एसटीआई 2019 के अंतर्गत वर्तमान भाग को के अंतर्गत पूछे गए पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डिस इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में बी निवेश विभाग नो नमूना सूचे या डैश छे। प्रश्न तो किसी भी प्रकार से बनाया जा सकता है, परंतु अपने को पढ़ना वही चाहिए जो परीक्षा में पूछा गया है। ए नीति आयोग, बी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, सी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, डी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। यह भी क्वेश्चन वन लाइनर फैक्टर नीति आयोग मंत्रालय हो ही नहीं सकता है, वरना उसके आगे आयोग लग नहीं लगता। तो उसको छोड़ करके आप यदि तीन को देखें तो आपको आपके उत्तर के तक पहुंचने में आसानी होगी। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के साथ दोस्तों मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूं, केंद्र सरकार द्वारा डिस इन्वेस्टमेंट विभाग को नाम बदली है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट डीपन, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है करवामा आपकी। अगले परीक्षा में यदि दोस्तों इसको ही फोकस करके कह दे डीपन एटले और 4 ऑप्शन बना दे तो आपको इसके लिए तैयार रहना। आप विभाग दोस्तों यह विभाग है, मंत्रालय नहीं है, और विभाग किसी न किसी मंत्रालय के अधीन होता है। जाहिर रिपोर्ट के अंदर आप पढ़ते हैं तो आप विभाग नाना मंत्रालय अंतर्गत कार्य कर से केंद्रीय नाना मंत्री अरुण जेटली 2016-17 ना पोताना बजट भाषण में डिस इन्वेस्टमेंट विभाग को नाम बदलवा ते विषय जाहिरात करी हती। दोस्तों पांचवा प्रश्न भी 2016-17 के ही है करंट अफेयर्स, इसलिए हम लोग क्या करते हैं प्रश्न जब आता है तो उत्तर निकाल करके इंटरनेट से एबीसीडी देखकर छोड़ देते हैं, इसलिए हमें अगले परीक्षा के प्रश्न का नेचर नहीं समझ पाता है।
आप पहले प्रश्न के नेचर को देखें, इनके काम क्या है। तो आप खानगी प्लेसमेंट ना माध्यम थी केंद्र सरकार ने इक्विटी ना बेचा संबंधित प्रतिभागियों ने उकेर से। अब ये इस साल इसलिए पूछा कि सरकार कई सरकारी कंपनियों को खानगी क्षेत्र में डिस इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाई है, तो यह प्लान रातों रात नहीं आ सकता है दोस्तों। सोलह में सरकार ने पहले अपना एक डिपार्टमेंट का नाम बदला उस डिपार्टमेंट का, और इसके उद्देश्य को पूरा किया कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, पब्लिक एसेट का मैनेजमेंट करने वाला यह इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट है। तो उसके द्वारा इतने सालों के रिसर्च के बाद अब सरकार को लगता है कि इस सरकारी एकम को अब जो है हम खानगी क्षेत्र को दे सकते हैं। उस आधार पर इस साल सरकार जो स्टेप लिया, तो यह इस साल का करंट है, परंतु यह किस कारणों से लिया जा रहा है वो आपको करंट अफेयर्स के अंदर पूछा गया है। इस चीज को समझना जरूरी है दोस्तों। तो अब हम लोग पांचवें प्रश्न को पूरा किए, अब हम बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। तो अब हम छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 10 मापदंडों ने आधारे व्याख्याई करियो छे। नीचे ना पैकी कया मापदंडो आ यादीमा नथी। फर्स्ट, बांधकामनी परवानगीओ साथे संबंधित। सेकंड, मिलकत नी नोधनी। थर्ड, क्रेडिट ब्रैकेट हिरान मेलबम। फोर, केवल घर घरतु डोमेस्टिकली व्यापार कर। ए, फक्त एक नब्बे। बी, फक्त एक नब्बे। बी, फक्त रन। सी, फक्त एक नत्रन। डी, फक्त चार। दोस्तों, इस प्रश्न को यदि देखा जाए तो इसमें इतने कंसेप्ट अगर आपके पास हैं तो आप आगे के भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं और इसको जानने में आपको आसानी होगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इसकी व्याख्या। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक व्यापार सूचक सूचकांक छे, व्यापार का एक ये इंडेक्स है। इसका मतलब कि पहला क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तेने मध्य ने पूर्वी यूरोप ना बे मुख्य अर्थशास्त्री सीमोन दंजाको तथा गेरहार्ड कोहल द्वारा विश्व बैंक समूह ना सहयोग की तैयार करवामा आवियो। यानी कल हमसे यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सूचकांक जो शुरू हुआ वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तेने अब अपने प्रश्न के मूल पे आते हैं। तेने 10 मापदंडों द्वारा व्याख्यायित करवामा आवे छे। व्यवसाय नी शुरुआत, बांधनी परवानगी, वीजड़ी प्राप्त करवी, मिलकत नी नोधनी, क्रेडिट मेलवू, रोकान कानूनी सुरक्षा, चुकवनी वेरा, सरहद नी बहार व्यापार, करार लागू करवा, नादारी निराकरण। अब इसमें यदि हम प्रश्न को देखें तो यादी मा नथी केवल घर कथु व्यापार करवो, ये चौथा जो है उसके यादी में नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से छठे प्रश्न की व्याख्या आपके सामने पूरी हुई। अब हम बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। तो अब शुरू करते हैं हम लोग जीपीएससी एसटीआई 2019 में पूछे गए करंट अफेयर्स के सातवें प्रश्न। यहां दोस्तों मैं एक बार आपके साथ फिर शेयर करना चाहता हूं कि मैं गुजराती में प्रश्न जो आपके सामने बोलकर पेश कर रहा हूं उसके पीछे एक लक्ष्य यह भी है कि आपके अंदर यह विश्वास रखना चाहिए कि गुणवत्ता के साथ साथ आप जब मेरे कक्षा में आएंगे तो मैं हिंदी में अगर आपको पढ़ा भी रहा हूं तो सारे टेक्नोलॉजी गुजराती में होंगे, जिससे कि आपको गुणवत्ता के साथ गुजराती में ही क्लास मिलेंगे। मैं गुजराती अच्छे से पढ़ लेता हूं, समझ लेता हूं, बातचीत भी करने में सक्षम हूं, लेकिन दोस्तों चूंकि मेरी पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई है इसलिए हमारा आधार हिंदी अंग्रेजी है। और आज के समय यदि आप गुणवत्ता की बात करते हैं तो गुणवत्ता
दिल्ली विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, अपने गुजरात के IIM जैसे इंस्टीट्यूट से पढ़ने पर लोगों के अंदर आती है। तो दोस्तों, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से ही MA किया हूं और 2001 से मैं इस फील्ड में हूं। 2000 से 2013 तक हमने दिल्ली में मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में भी क्लास चलाया विश्वास एजुकेशन के ही नाम से। 2003 में मैं गुजरात आया, तब से मैं अब तक गुजरात की सेवा कर रहा हूं। 2013 में पारिवारिक कारणों से जब मेरे बच्चे बड़े हो गए और मुझे अब दिल्ली जाना बार बार मेरे को संभव नहीं हो पाता है क्योंकि एक क्लासेस होने के कारण उत्तरदायित्व भी होता है, तब हमने 13 में दिल्ली का क्लास बंद किया। और दोस्तों, मैं अभी भी कई मित्रों को ना नहीं कर पाता हूं अपने पुराने, जिसके कारण मैं जोधपुर, मेड़ता, जयपुर, इलाहाबाद, पटना, इंदौर सभी जगहों पर जाकर के मैं लेक्चर लेता हूं। तो आप यदि हमारे क्लास से जुड़ते हैं तो गुजरात में आपके पास एक ग्लोबल अनुभव रखने वाला व्यक्ति, जिसके पास छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश सभी के प्रश्नों को देखने के बाद और गुजरात के प्रश्नों को समझने के बाद, IAS के प्रश्नों की व्याख्या करने के बाद आपके सामने क्लास में उसका निचोड़ रखता। तो दोस्तों, चलते हैं आगे हम लोग। वर्ण सम्मेलन देश बाबत मुझे ए साहित्यिक और कलात्मक रचनाओं रक्षण करवा, बी जैव विविधता, सी बौद्धिक संपदा अधिकार, डी ग्लोबल वार्मिंग। वन लाइनर क्वेश्चन, बेहद आसान क्वेश्चन, लेकिन आपके लिए दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेकर मैं आया हूं। साहित्यिक तथा कलात्मक रचनाओं ना संरक्षण माटे स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में एक अंतरराष्ट्रीय समझौती थी, यानी कि अपना आंसर तो यहीं से निकल गया। लेकिन अगर हम आगे जानना चाहें तो आज समझौती पर प्रथम वक्त हस्ताक्षर 1886 में थया। आज समझौती कॉपीराइट की संबंधित छे, इसका मतलब कि यदि हम क्वेश्चन नंबर 7 में जानना चाहें तो बर्न सम्मेलन का आंसर ए होगा। लेकिन अगर हम इसको आंसर के रूप में देखना चाहें तो कलात्मक और साहित्यिक रचनाओं के कॉपीराइट से संबंधित यह जो है सम्मेलन हुआ था। तो इस प्रकार से दोस्तों, हम लोग व्याख्यात्मक हल के माध्यम से आपको एक हम प्रयास कर रहे हैं छोटा सा कि आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की पूरी जानकारी हो सके कि क्वेश्चन किस एरिया से आता है, और तब आप उस प्रकार के करंट अफेयर्स को पढ़ें जिससे कि आपका गलत पत्रिका को खरीद कर या गलत मैगजीन को खरीद कर आपका पैसा समय बर्बाद ना हो। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की व्याख्या समाप्त हुई, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारत का राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन देश की मदद की अस्थापना में आयु हनी बी नेटवर्क, यूरोपियन संघ, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, वन लाइनर क्वेश्चन, बेहद आसान क्वेश्चन, लेकिन हम लोग इसके अन्य पासाओं को भी देखेंगे, इसीलिए मैं आपके सामने बड़े व्याख्या के साथ आया। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय ना अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था छे। यानी कल यदि यह प्रश्न पूछ दे कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, तो आप इस इंफॉर्मेशन से इस प्रश्न का जवाब भी दे सकते हैं। तेने हनी बी नेटवर्क की सहायता की स्थापित करवामा आवी, हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। लेकिन तेने बस 2000 मा पायाना स्तर पर तकनीकी नवीनता तथा उत्कृष्ट परंपरागत ज्ञान ने मजबूत करवा माटे भारत ने राष्ट्रीय पहल ना रूप में कार्य करवानु चालू करियो, और तेने मिशन भारत ने पायाना स्तर पर तकनीकी
संस्थागत असमानता विस्तार करी एक रचनात्मक तथा ज्ञान आधारित समाज बनावामा मदद करवानो छे। इसके उद्देश्य को भी हमने आपको बताया, लेकिन अगर हम प्रश्न देखना चाहें तो इसके आधार पर हमारा आंसर बनता है ए, हनी बी, नेटवर्क। लेकिन इस व्याख्या से आप इस नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत है ये आपने सीखा, किस नेटवर्क की सहायता से स्थापित हुई ये आपने सीखा, कब ये शुरुआत हुआ उसकी बात की गई और इसका उद्देश्य क्या है वो आपने सीखा। तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की व्याख्या आपके सामने हमने पूरा किया और अब हम 9वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। उसके पहले दोस्तों मैं याद दिला दूं कि हमारा विश्वास एजुकेशन के नाम से YouTube चैनल है, आप चाहें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने पर आपको हम लोग एक वीडियो सीरीज चलाने जा रहे हैं। आगे हम लोग इस प्रश्न उत्तर की व्याख्या के बाद कई क्लासेस भी आपको हम इस YouTube के माध्यम से देंगे, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके बारे में है, और यदि आप हमारे वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं या फेसबुक पर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो वहां भी हम आपको मिलेंगे। दोस्तों प्रश्न शुरू करते हैं। नीचे ना पैकी कयो उपग्रह इसरो ना पृथ्वी निरीक्षण उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नथी, जो अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए नहीं रखा गया है। IRNSS-1A सरल, इनसेट 3D, इनसेट 3A। दोस्तों बेहद आसान प्रश्न है, परंतु इन चारों के बारे में आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन हो इसलिए मैं इसकी व्यापक व्याख्या किया। पहले IRNSS-1A, तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। दोस्तों यदि आप परीक्षा में नेविगेशन को ही ध्यान में रख देंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि नेविगेशन का काम जो करेगा वह अर्थ ऑब्जर्वेशन नहीं करेगा। लेकिन मैं आगे बढ़ूं, आप इसरो द्वारा प्रक्षेपित करे 7वां नेविगेशन सैटेलाइट माथी एक छे तेने PSLV C-22 द्वारा 1 जुलाई 2013 सार केंद्र श्री हरिकोटा की इसरो द्वारा प्रक्षेपित करवामा आव्यो। दोस्तों करंट अफेयर्स में 2003-2013 के सैटेलाइट पूछे जाते हैं, ते एक नेविगेशन सैटेलाइट छे, तेमा नेविगेशन अने रोंजिंग बे प्रकारना पेलोड छे। अब हम लोग सरल के बारे में सैटेलाइट विद अर्गोस एंड अल्टिका, ते एक संयुक्त इंडो फ्रेंच मिशन छे, 25 फरवरी 2013 मा सार हरिकोटा से थी PSLV C-20 द्वारा तेने प्रक्षेपित करवामा आव्यु हतु, ते एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट छे। यहां यह बी लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यह सार हरिकोटा से छोड़ा गया। इनसेट 3D, ते एक एडवांस वेदर सैटेलाइट छे, वेदर की जानकारी तभी होगी जब आप इस अर्थ का ऑब्जर्वेशन कर रहे होंगे। इतने में से आपको आंसर निकाल लेना। 26 जुलाई 2013 मा फ्रेंच गुयाना ना कौरू की एरिया में SDA 214 द्वारा तेने छोड़वामा आव्यो, ते एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट छे। इनसेट 3A आ एक बहुहेतुक सैटेलाइट छे, बहुहेतुक होते ही एक हेतु अर्थ ऑब्जर्वेशन अपने आप हो गया, क्योंकि इसके हेतु कई हैं, उनमें से एक अर्थ ऑब्जर्वेशन भी होगा। तो 10 अप्रैल 2013 ना फ्रेंच गुयाना कौरू की एरिया में V-160 द्वारा तेने छोड़वामा आव्यो हतो, आ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट छे। दोस्तों आंसर अपने सामने है कि सरल इनसेट 3D, इनसेट 3A ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जबकि IRNSS-1A एक नेविगेशन सैटेलाइट।
मित्रों जब मैं क्लास में अपने ऑफलाइन क्लास में स्टिंग सेंटर पर साइंस सेंटर पढ़ा रहा था, मुझे याद है मैं इसे इतने डिटेल्स तरीके से क्लास में पढ़ाया हूँ कि मेरे क्लास के एक एक बच्चों को यह क्लियर है ये सेटेलाइट किस नेचर का है। तो कोई बात नहीं, आप भी लाभान्वित हो सकते हैं। आप हमारे स्टिंग केंद्र पर आकर के या फोन से दरियाफ्त करके हमारे बैचेस को ऑफलाइन ज्वाइन करके आप हमारे इस गुणवत्ता का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो अब शुरू करते हैं हम लोग जीपीएससी एसटीआई 2019 के अंतर्गत वर्तमान मापदंडों के अंतर्गत पूछे गए क्वेश्चन नंबर 10। इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड सर्वप्रथम डैश द्वारा रजू करवाना ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न। ए अमेज़न, बी एप्पल, सी गूगल, डी नोकिया। दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन, आसान प्रश्न, लेकिन इसकी व्याख्या मैं आपके सामने रख रहा हूं। आ अमेज़न द्वारा बाहर पारवामा आवे अमेज़न वेब सीरीज नो एक केंद्रीय भाग से ये सर्विसेस दे रहा है। आंसर इतने में अपने को मिल गया 10A। 13 द्वारा उपयोगकर्ताओं ने वर्चुअल कंप्यूटर भाड़ा पर लेवानी अनुमति प्रदान करे छे, यानी अगर आप वर्चुअल कंप्यूटर नहीं मैनेज कर पा रहे हैं परचेज करके तो आप उससे भाड़े पर ले सकते हैं, जेना पर ते पोतानी कंप्यूटर एप्लीकेशन चला भी सके छे। तो इस आधार पर इसका आंसर दसवें का ए होता है। इस प्रश्न के पूछे जाने के पीछे उद्देश्य है मित्रों कि जब यह शुरू हुआ तो इसके अच्छे और बुरे परिणाम क्या क्या आ सकते हैं, समाज में इस पर चर्चा जोरों में हुई, इसलिए यह करंट अफेयर्स के अंतर्गत पूछा गया। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 11 की। भारत ना लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस बाबते नीचे ना पैकी कई कया विधान विधानों साचो साचा। तेजस बहुविध भूमिकाओं वालों एक बैठक भरा को हल्का वजन वालों जेट फाइटर छे। भूतपूर्व बड़ा प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी तेनु नामाधिकरण तेजस जेनो अर्थ तेज प्रकाश थाय छे करेलो। ते हवा की हवा में छोड़ी सकाय तेवा मिसाइलो बॉम्ब अने चौकसाई मार्गदर्शी दारू गोड़ो ऑब्लिक युद्ध सामग्री नु वहन करी सके छे। ए फक्त एक अने बे, बी फक्त बे अने त्रण, सी फक्त त्रण, डी फक्त एक बे अने त्रण। यह क्वेश्चन थोड़ा लेंदी लेकिन अगर आप इस व्याख्या को पढ़ेंगे तो आपको इस प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। दोस्तों आ एक इंडियन सिंगल इंजन डेल्टा विंग मल्टी रोल लाइट फाइटर छे। आ एक मल्टी रोल फाइटर छे। बहुविध भूमिकाओं वाला एक बैठक धरा को हल्का वाहन छे। यहां से आपको इसका आंसर मिलेगा। તેને ભારતીય વાયુસેના અને ભારતીય નૌસેના માટે એરોનોટિકલ ડેવલપમેન્ટ એજન્સી અને હિન્દુસ્તાન એરોનોટિકલ લિમિટેડ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યું। યહ આપકો ઇસકે બહાર કા ઇન્ફોર્મેશન હમને દિયા કે યદિ આગે કે પરીક્ષા મે ઇસ તરહ કા કોઈ પ્રશ્ન પૂછે કે તેજસ કોને વિકસાવ્યું તો આપ ઇસકા જવાબ દે સકતે હૈ। भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तेनु नाम तेजस राख्यो छे जेनो अर्थ थाय छे प्रकाश अने ते हवा की हवा में मार करता मिसाइल ने वहन करवा में सक्षम छे। दोस्तों अगर इस हिसाब से देखा जाए तो तीनों ही स्टेटमेंट इसके सही होते हैं और आंसर होता है डी। और इस व्याख्या के द्वारा आप एक नया चीज सीखे कि इसको एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया है। क्लासेस में इस तेजस पर दोस्तों दो पेज हमने पढ़ाया था, इसके एक एक एंगल को हमने बताया था। इससे भारत की रक्षा में
क्या परिणाम होगा इसके होने से, या हमें कैसे मदद करेगा, इस तरीके के क्वेश्चन हमने बताए थे कि लड़का हमारा मेंस में किस प्रश्न का आंसर कर सके। दोस्तों यहां मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पढ़ाने का जो तरीका होता है उसमें प्रीलिम्स के साथ साथ आप मेंस को भी तैयारी कर सके उसको ध्यान में रखकर हम लोग पढ़ाते हैं। तो दोस्तों अब हम आज के सामान्य अध्ययन के करंट अफेयर्स के अंतिम में पार्ट वन के अंतर्गत अंतिम में प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। मित्रों हम लोग 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ताजे तरमा नवा जाहिर फैला रेलवे जोन नाम डैश छे अने तेलुगु मुख्य मथक डैश छे। ए साउथ कोस्ट जोन वाइजाग, बी साउथ सेंट्रल जोन विजयवाड़ा, सी साउथ ईस्ट जोन अमरावती, डी साउथ वेस्ट जोन इलुरु। दोस्तों क्वेश्चन मलयालम है, आप सभी जानते हैं कि इसका आंसर ए होगा, लेकिन हम यहां व्याख्यात्मक हल देने आपको आए हैं, इसीलिए हम इन तीनों को भी चेक करेंगे जिससे कि आप आगे के परीक्षा में इसे सही कर सकें कि क्या इसका यह मुख्य मथक है या नहीं। तो इसकी हम व्याख्यात्मक हल की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वर्ष 2019 में रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने नवा रेलवे जोन साउथ कोस्ट जोन का निर्माण करियो जेनो मुख्यालय वायसराय ब्रैकेट में विशाखापट्टनम छे। इस व्याख्या से दोस्तों हमारा आंसर निकल कर आता है ए, लेकिन अब हम जरा देखें कि क्या साउथ सेंट्रल जोन का मुख्यालय विजयवाड़ा है। तो दोस्तों साउथ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय मुख्य मथक सिकंदराबाद छे ना कि विजयवाड़ा, यानी आगे के परीक्षा के लिए हमको ये याद रखना होगा। अब देखें कि क्या साउथ ईस्ट जोन का मुख्यालय अमरावती है। तो दोस्तों साउथ ईस्ट रेलवे का मुख्य मथक गार्डन रीच कलकत्ता छे, यानी कि हमारा यह सी भी आंसर गलत है ऑप्शन। और साउथ वेस्ट जोन इलुरु, जरा इसको देखें दोस्तों, तो साउथ वेस्ट रेलवे का मुख्य मथक हुगली छे ना कि हमारा साउथ ईस्ट जोन का मुख्य मथक इलुरु है। तो यह तीनों आप अगले परीक्षा के लिए भी ट्रेडिशनल क्वेश्चन के अंतर्गत याद कर सकते हैं कि साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, साउथ ईस्ट रेलवे गार्डन रेल कलकत्ता, साउथ वेस्ट रेलवे हुगली। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के करंट अफेयर्स के अंतर्गत पूछे जाने वाले लगभग 30 प्रश्नों में से 12 प्रश्न की व्याख्या आपके सामने मैं लेकर आया हूं। बहुत जल्द मैं आपके सामने इसका पार्ट 2 पेश करूंगा, क्योंकि इससे ज्यादा लंबा समय होने पर हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा और वह आपको हो सकता है उबाऊ भी लगे। लेकिन दोस्तों इंतजार करिएगा, बहुत जल्द हम आपके सामने इसके पार्ट 2 को लेकर आएंगे। और उसके बाद हम लोग दोस्तों एसटीआई के सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे टॉपिक वाइज व्याख्यात्मक हल, ये किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपका अमूल्य समय हमने लिया इसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।